चलो हेलो बच्चों बच्चों, आज जो है हम जीओसी का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एरोमेटिक सिटी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एरोमेटिक सिटी के बारे में? एरोमेटिक कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है? जब वो जब वो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, और फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर हो और क्या हो, सभी एटम उसके कंजुगेटेड हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, इसके सारे एटम क्या हो जाए, कंजुगेटेड हो जाए, ऑल रिंग एटम क्या हो जाए, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए, रिंग के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए और वो हक के रूल को फॉलो करे। यही कंडीशन था ना भाई एरोमेटिक का? यस सर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये रहा, ये बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं? यस एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, इसके सारे एटम कंजुगेटेड भी है, कंजुगेटेड है ना, देखो सारे एटम सभी के सभी क्या है, कंजुगेटेड भी है, ठीक है, और ये हक्के रूल को फॉलो भी करता है, इसलिए क्या है, ये आपका एरोमेटिक, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर हमने क्या पढ़ा था? अच्छा एरोमेटिक, ये देखो ये हक्के रूल मतलब समझे थे, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। अब 4n+2 मतलब दो चार नहीं होनी चाहिए, दो छह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, 2 6 10 14 18 ऐसे ही था ना, एंटी एरोमेटिक सर। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होनी चाहिए थी ना एरोमेटिक में, क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इवन नंबर तो होगा ही, लेकिन ऐसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड ना हो, या फिर इसको चाहो तो तुम और करके ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि जो तुम्हारा डबल बॉन्ड की संख्या हो ना, या लोन पेयर की संख्या, वो क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 4 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, 4 से डिवाइड नहीं, वो होनी चाहिए ऑड नंबर। देखो यहाँ पे तुम बताओ डबल बॉन्ड कितने, 3 है कि नहीं? यस सर। तीन एक ऑड नंबर हुआ कि नहीं? यस सर। तो हक्के रूल तब फॉलो होगा जब तुम्हारा डबल बॉन्ड की संख्या एक ऑड नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर। अगर डबल बॉन्ड की संख्या इवन नंबर होगा ना, तो वो हक्के रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो चला जाएगा एंटी एरोमेटिक, मतलब समझ रहे हो, डबल बॉन्ड की संख्या का क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भैया, ऑड नंबर। एंटी एरोमेटिक में तुम्हारा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में जो सारे रूल फॉलो कर रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए थी, 4 से, हाँ 4 से डिवाइड, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड की संख्या इसमें इवन नंबर हो जाएगा ना, यस इवन, डबल बॉन्ड की संख्या, डबल डीबी मतलब डबल बॉन्ड की संख्या इवन नंबर, अभी समझ में आ जाएगा ये इवन ऑड क्या बोल रहे हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा। और नॉन एरोमेटिक था जो दोनों को फॉलो ना करे, यस सर, ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, मतलब इन चारों स्टेप में से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर रहा, तो उसे नॉन एरोमेटिक बोलते थे। एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तुम बताओ डबल बॉन्ड कितना हुआ, एक मतलब ऑड सर, एरोमेटिक, एक मतलब ऑड हुआ ना, तो जब ऑड होगा तो एरोमेटिक, क्या होगा, ऑड होगा तो एरोमेटिक, तो क्या सर केवल ऑड हो जाएगा तो एरोमेटिक कर देंगे, नहीं बाकी कंडीशन भी देखो, नो सर, साइक्लिक है कि नहीं, देखो ये साइक्लिक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होना चाहिए, देखो साइक्लिक है, हाँ हाँ देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब समझे, एक गोला होना चाहिए, क्लोज शेप होना चाहिए, तो साइक्लिक है, हाँ भाई है, क्या ये प्लेनर है, प्लेनर मतलब समझे, हाइब्रिडाइजेशन सबके sp2 होने चाहिए, sp2, देखो ये sp2 है ना, कैसे पता चला सर ये sp2 है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यही होगा ना, यस सर, बोलो सब जगह हाइड्रोजन एक एक है, तो कितने बॉन्ड हुए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन, देखो केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में किसको काउंट करोगे,
सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड को काउंट करोगे तो इसका एविडेशन sp2 नहीं हो जाएगा? यस सर। सिमिलरली इसका भी एविडेशन sp2 और इसका भी एविडेशन, तो सबके sp2 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, हाँ भाई रेजोनेंस भी हो रहा है, सबके सब कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा। हकेल रूल को फॉलो कर रहे हैं, हाँ इवन नंबर 2n पाई इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा हकेल रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब आसान भाषा में बोले तो तुम्हारा जो डबल बॉन्ड होगा ना वो क्या हो, ऑड नंबर हो, डबल बॉन्ड क्या हो, ऑड नंबर में हो, तो देखो ऑड नंबर में नहीं है इसलिए ये एरोमेटिक होते। अब सेकेंड केस में बताओ क्या ये साइक्लिक है, क्या ये एंटी-एरोमेटिक? तो हाँ है। क्या ये आपका कंजुगेट साइक्लिक हो गया, क्या ये प्लेनर है? यस सर। प्लेनर है ना, एक ही प्लेन में है ना, यूजुअली जो भी आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे ना वो सबके सब प्लेनर होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो भी एटम होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे इन जनरल, ठीक है भाई, अगर कुछ उसमें कुछ अलग सा कुछ कंडीशन ना लग जाए। तो ये क्या हो गया, देखो तुम्हारे साथ सबके सब sp2 नहीं होगा, देखो ना sp2 हो गया, sp2 तो ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया ना, एक ही प्लेन में, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। उसके आने बताओ इसमें कितने डबल बॉन्ड है, दो सर, क्यों दो हो गया, क्योंकि एक माइनस भी है, माइनस को आप काउंट करोगे क्योंकि ये माइनस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, देखो ऐसे होगा, यस सर ऐसे होगा ना, अगर माइनस रेजोनेंस, ध्यान रखना एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, देखिए अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में यदि निगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो आप क्या करोगे, आप उस निगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड के तौर पे देखेंगे, इस निगेटिव चार्ज को आप डबल बॉन्ड मान लेना, क्या मान लेना, डबल बॉन्ड। यदि निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, अरे समझ रहे हो, तुम डबल बॉन्ड मानना उसको, नहीं समझ रहे हो? यस सर। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा एक निगेटिव चार्ज था तो उसको हमने डबल बॉन्ड माना, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया था, तब मैंने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या दो हो गई ना, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये निगेटिव चार्ज, दो हो गया, और दो क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर अगर हो जाएगा तो उसको क्या बोल दोगे, एंटी एरोमेटिक, क्या बोल दोगे, एंटी एरोमेटिक, क्या हो गया, ये नो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या था कि क्या ये एरोमेटिक है, यस नो कर रहे हैं, तो नो लिख दिया गया, ठीक है भाई। और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो दो डबल बॉन्ड हो गया ना, तो इसलिए दो दुनी चार, क्या हो गया, चार, ठीक है। तो देखो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो निगेटिव को डबल बॉन्ड की तरह देखेंगे, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इफ मान लो निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब उसको डबल बॉन्ड में काउंट मत करना, तब उस निगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड में, अरे ऐसे वैसे निगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा फिर तो कंजुगेटेड ही नहीं रहेगा ना, यस सर, फिर तो वैसे भी सर एरोमेटिक नहीं होगा, वैसे भी एरोमेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज है ना, इसके जगह पे अगर मान लो लोन पेयर भी रहता ना, अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता, करेगा, अगर मान लो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको भी तुम डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, लोन पेयर कोई एग्जांपल है क्या इधर, हाँ देखो यहाँ पे ये लोन पेयर बताओ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, यस सर कर रहा है ना, तो ये लोन पेयर को तुम काउंट करोगे कि नहीं बताओ सर, ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं नहीं गलत तुम बोल रहे हो, काउंट करो भाई, ये लोन पेयर देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, यस सर, ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो पार्टिसिपेट करेगा तो देखो डबल बॉन्ड कितना, दो, और एक लोन पेयर कितना हुआ, तीन नहीं हुआ सर, दो लोन पेयर, नहीं दो लोन पेयर नहीं, अभी उसका बताते हैं भाई, एक ही को काउंट करना है, ठीक है, यस सर।
दो लोन पेयर नहीं, एक ही को काउंट करना है, क्योंकि देखो ये नीचे वाला रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, एक्चुअली ये नीचे ओके वाला सर, लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नीचे वाला नहीं करेगा, एक ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ऐसा यस थोड़ी होगा सर, कि ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, तो क्या यहाँ पे तीन बॉन्ड बना दोगे क्या? नो सर, नीचे वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये तीन ही हुआ ना, एरोमेटिक। हाँ तीन हो गया ना डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया एरोमेटिक। तो देखो मैं क्या बोला, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको डबल बॉन्ड मान लेना, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या मानोगे उसको, डबल वन और अगर वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना। यस अगर सर, वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इफ निगेटिव चार्ज या लोन निगेटिव चार्ज अटैच करता है, यदि लोन पेयर क्या रेजोनेंस में बात पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको तुम क्या कंसीडर करना, उसको तुम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेना। यहाँ पे ये लोन पेयर देखो ये अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्या क्या बोल दिया सर, कुछ समझ में नहीं है। देखो अगर तुम्हारे पास 5 रुपया है, समझना ही था, मिसाल समझना, अगर आपके पास 5 रुपया है, मार दुकान में क्या है, एक बिस्किट है, पांच 5 वाला, रुपए सर, 5 रुपये भी नहीं है तुम्हारे पास सरप्राइज क्या? अरे 5 वाला बिस्किट नहीं मिलता है, चो ये क्रीम वाला जो तुम नहीं मिलती ऐसे बिस्किट हटा के और क्रीम चाट जाते होगे है। यस सर, यस और फिर चिपका के भाई को दे देते होगे, सर, ऑरेंज क्रीम नहीं आता है। तो देखो पांच यस सर, रुपए वाला आता है। आपके पास बिस्किट, आपके पास 5 रुपए है और मार्केट में क्या है, एक बिस्किट है जिसका दाम 5 रुपए है और एक चॉकलेट है, कौन सा चॉकलेट, मान लो पर्क है 5 वाला। अब तुम बताओ क्या 5 रुपए में दोनों खरीद सकते हो क्या? नो सर, नो सर, कोई एक ही खरीदोगे, या तो तुम बिस्किट ले लो, या तो बिस्किट ले लो या फिर चॉकलेट ले लो, तुम्हारा होगा, बिस्किट भी हुआ। तो तुम बिस्किट लोगे। ठीक है, तो ठीक है भाई बिस्किट ले लो, लेकिन अगर तुम पापा के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, जो तुम्हारे पापा बोलेंगे वही लेना पड़ेगा, नहीं तुम डंडे को यस मार सर, फिर मारता तो है। तुम दोनों आ जाएगा सर। चॉकलेट, हाँ तुम चॉकलेट खा लेना भी चाहोगे तो पापा बोलेंगे नहीं बिस्किट लेना है तो लेना है, लेना पड़ जाएगा। तो ठीक है सर, फिर इसका यहाँ पे मतलब क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये मतलब हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास लोन पेयर है, आपके पास लोन पेयर है, आपके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर या तो रेजुने से भाग लेगा, क्या होगा, रेजुने से भाग लेगा, या फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, दोनों में एक साथ नहीं ले सकते। अगर रेजुने से पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो रेजुनेस में नहीं करेगा, अगर रेजुनेस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, वो डबल बॉन्ड की तरह आप काउंट कर लोगे, क्या कर लोगे उसको, डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड की तरह कंसीडर कर काउंट, लो, अगर वो रेजुनेस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हाइब्रिडाइजेशन। कंसीडर करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखना, समझना, ये देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तुम ये बताओ ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है कि नहीं, बताओ भाई, यस नाइट्रोजन सर, पे लोन पेयर है, ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तुम बताओ यस या नो, नो सर, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कि देखो ये तो तुम्हारा कंजुगेटेड है, दिख रहा है तुमको कंजुगेटेड दिख रहा है ना, कंजुगेटेड यस मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड की दूरी, एक बॉन्ड की दूरी को कंजुगेटेड बोलते हैं, देखो एक बॉन्ड की दूरी है कि नहीं, अरे ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर में एक बॉन्ड की दूरी है, तो इस हिसाब से ये कंजुगेटेड है, रेजोनेंस तो करता, रेजोनेंस लेकिन करता ना सर भाई, दूसरी तरफ से नहीं। लेकिन जैसे ही तुम रेजोनेंस कराओगे ना तो देखो इसका स्थिति बड़ा गंभीर हो जाएगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी हो गया कि नहीं बताओ, यस सर, और एसपी का बॉन्ड एंगल 180 होता है कि नहीं, अरे तो कैसे एसपी हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो एक एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, दो हुए ना, और दो यस सर, सिग्मा बॉन्ड को तुम क्या बोलोगे, एक एस और एक पी नहीं बोलोगे, सुनो
एक क्या हो गया, क्या हुआ? एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको, हाँ फिर से बोलना तो कुछ आम भी। 180 होता है ना, हाँ 180 लिखा हुआ है ना, तो राइटिंग नहीं पढ़ा रहा है। 180 लिखे थे कुछ आम भी, 180 और यही बोल रहे हो क्या? 180 क्या? अरे ये आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, किसी को आ रही है क्या वॉइस क्लियर? नो सर नहीं आ रही। आप कमेंट बॉक्स में लिख दो मैसेज, इसमें भी आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है देखो इधर मैं, आप चैट बॉक्स में लिख लो मैं पढ़ दूंगा। तो क्या लिखी है ये एसपी, देखो ये जो है ना हाइब्रिडेशन एसपी हो गया ना, कैसे एसपी आपको पता चला? देखो और मैं क्लियर कर ही देता हूँ, मे बी आपका डाउट होगा। देखो अगर दो सिग्मा बॉन्ड रहेगा ना तो हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे? एसपी। तीन सिग्मा बॉन्ड रहता है ना, तो तीन सिग्मा बॉन्ड, सर मुझे लगा अच्छा वो 180 आपको लगा नहीं है। तीन सिग्मा बॉन्ड रहेगा ना तो इसको क्या लिखोगे आप? तीन बार लिखोगे ना, एक एस पी पी ऐसे कर सकते हो, तो इसको तुम चाहो तो चाहो क्या एसपी टू ही लिखेंगे ना। चार सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा? चार सिग्मा बॉन्ड करके एक एस लिखो और फिर दो पी लिखो, इट मीन्स क्या हो गया एसपी थ्री। ठीक है तो ये ध्यान रखना, चार सिग्मा बॉन्ड के लिए एसपी थ्री, तीन सिग्मा के लिए एसपी टू, दो सिग्मा के लिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है और कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है तो हमारा यहीं तक में काम नहीं पड़ जाएगा, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है ना। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? मैक्सिमम चार। और क्या पढ़ रहे हो आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक में कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक में कार्बन के कंपाउंड बनते हैं ना। अब इधर देखना ये नाइट्रोजन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? दो सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हुआ? एसपी हुआ ना। यस सर हुआ ना एसपी। ओके और 180 तो रिंग में हो नहीं सकता, 180 का मतलब क्या हो गया? वो रिंग को तुमने ओपन कर दिया तो वो रिंग टूट जाएगा। हाँ रिंग टूट जाएगा, इसका मतलब ये लोन पेयर जो आपको दिख रहा था एक्चुअली ये क्या है? कंजुगेटेड है ही नहीं। ये रेजोनेशन पार्टिसिपेट करेगा? नो सर नहीं करेगा ना सर। लोन पेयर आपका रेजोनेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब इस लोन पेयर को तुम क्या बोलोगे? इस लोन पेयर का एक नाम हो जाएगा जिसको बोलोगे लोकलाइज्ड। क्या बोलोगे? देखो एक वर्ड होता है लोकलाइज और एक होता है डीलोकलाइज। लोकलाइज मतलब होता है वैसा लोन पेयर जो कि फिक्स हो, कहीं जाओ नहीं रहे, और डीलोकलाइज मतलब वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बताओ ये लोकलाइज हो गया तो इसको क्या हम डबल बॉन्ड में काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे। लेकिन ये लोकलाइज हो गया तो क्या इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर ले? यस सर। इसको बोले ना कि वो 5 रुपया तो या तो तुम उसको रेजोनेंस में करा दो या फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा दो। अब तुम रेजोनेंस में तो नहीं करा पाए तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा लो। अब हाइब्रिडाइजेशन से देखो तुमको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड, एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितना हुआ? तीन हुआ ना। अरे दो सिग्मा और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर तो टोटल तीन हुआ। तीन के लिए क्या लिखते हैं? तीन के लिए sp2 नहीं लिखेंगे? sp2। तो ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, इससे तुमको फायदा हो गया। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि अगर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था तो हाइब्रिडेशन sp हो रहा था और रिंग टूट जा रहा था। sp2 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 मतलब प्लेनर। अरे sp2 मतलब प्लेनर भी हो गया और बॉन्ड एंगल 180 थोड़ी रहेगा, कितना रहेगा बॉन्ड एंगल? कितना रहेगा निगम? sp2 का कितना बॉन्ड एंगल होता है? क्या 109 sp3 का ना होता है? नहीं सर ये sp2 है। कितना होता है गुंजन भाई sp2 का बॉन्ड एंगल, किसी को पता है सर? 117 डिग्री। 120 सर, 120 डिग्री है, 121 हो रहा है सर। क्या शायद 121 डिग्री, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज ही नहीं यार। चलो इधर देखो, ठीक है। अरे देखो यहाँ 180 नहीं ना है भाई, ये बॉन्ड एंगल 180 थोड़ी है, रिंग थोड़ी टूटेगा, रिंग नहीं टूटेगा ना। तो देखो तुमको अब क्या हो गया, अब इसको काउंट करोगे डबल बॉन्ड कितना? तीन, तीन ही डबल बॉन्ड है ना, तो तीन के लिए ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया ना, ऑड रहेगा एरोमेटिक। एरोमेटिक याद रखना, ऑड रहेगा तो एरोमेटिक।
इवन रहेगा तो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड, हाँ गुंजन सही बोल रहे हो, एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। अब इधर देखना, इन बताओ ये यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, होगा ना? यस सर, यस सर। तुम ये बताओ ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 sp2। अच्छा यादान sp2 बोल रहा है, निगम sp3 बोल रहा है। निगम तुम बताओ sp3 क्यों बोला तुमने? क्योंकि सर तीन इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर है सर, लेकिन लोन पेयर तो सर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा ना। लोन पेयर से तुम एक ही चीज खरीद सकते हो, या तो उसको रेजोनेंस कराओ नहीं तो हाइब्रिडाइज में जाओ। यहाँ पे ये लोन पेयर बताओ क्या रेजोनेंस कर सकता है? यस सर, यस सर, कर सकता है ना। और रेजोनेंस करने से इसको कोई नुकसान भी नहीं है, क्यों नुकसान नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल 180 नहीं बन रहा होगा, देखो रेजोनेंस अगर कर भी लिया तो देख लो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 ही है, इसे प्लस रहेगा ना, नहीं sp2 है ना, यस सर, अभी भी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है एक s और दो p sp2, और sp2 तो तुम्हारा चलेगा भाई, sp नहीं चलेगा रिंग में, तो ये सही है ना। तो ये लोन पेयर क्या हो गया, देखो पहला प्रीफ्रेंस हमेशा रेजोनेंस को देना, अगर रेजोनेंस देखो बोले ना पहला प्रीफ्रेंस आप पैसा है ना तो आप बिस्किट खरीदने की कोशिश करना, बिस्किट खरीदोगे तो क्या होगा तुम्हारा थोड़ा पेट भी भरेगा और दांत वगैरह उतना खराब भी नहीं होगा, चॉकलेट खा के क्या होगा कुछ नहीं होगा, तो पहला प्रीफ्रेंस क्या देना बिस्किट को, ठीक है भाई। तो बिस्किट इन द सेंस पहला प्रीफ्रेंस देना रेजोनेंस के, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो आप रेजोनेंस कराना, और नहीं पॉसिबल है तब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाना, ठीक है भाई। यस सर, तो बताओ ये निगम रेजोनेंस पॉसिबल हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, क्या हो गया sp2, हाँ अश्विन सही बोल रहे हो, ठीक है ऐसा ना रहा है। यस सर, यस सर, हम तो सर गुटखा खाते हैं, गुंजन बोल रहा है सर हम तो चॉकलेट नहीं खाते हम तो गुटखा खाते हैं, क्या गुंजन यही बात है क्या? हाँ बोल रहे सर, अरे तुम ही तो बोले ना कि चॉकलेट तो लड़कियां खाती है, हम चॉकलेट थोड़ी खाते, हम तो सर सुट्टा मार लेते हैं, पांच में आते हैं सर, आज तक छुआ भी नहीं है, आज तक छुआ भी नहीं है। अच्छा चलो इधर देखो, वही सब पॉइंट लिखा हुआ है, एरोमेटिसिटी क्या लिखा हुआ है, साइक्लिक प्लेनर, देखो एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और हक्के रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्के रूल मतलब समझे कि ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर ऑफ होनी चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब समझे डबल बॉन्ड प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज, ये सब मिलके ऑड नंबर क्या होना चाहिए, ऑड संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखना, अब एग्जांपल लेके करके चलते हैं, अब तुमको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, कर सकते हैं। इधर बताओ क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 एरोमेटिक है, जल्दी बताओ भाई। सर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, कैसे पता चला? सर पॉजिटिव चार्ज है सर, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, सुनो पॉजिटिव चार्ज को कभी भी काउंट नहीं करोगे, देखो यहाँ पे हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए करेंगे, हम क्या लिखे हैं डबल बॉन्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को नहीं काउंट करते, कभी भी पॉजिटिव को मत काउंट करना हक्के रूल के लिए। तो बताओ ये पॉजिटिव है ना, ज्यादा ही डीप चल रहा है, नेगेटिव चार्ज को नहीं काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में दो लोग, पाई इलेक्ट्रॉन में दो लोग, और ऐसे काउंट करो करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई आपको, कि सीधा दोनों काउंट कर लो, एक और दो, दो मतलब इवन, दो मतलब क्या हो गया इवन, और इवन हुआ मतलब एंटी, एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी, आंटी आ गई, आंटी आ गई, आंटी पुलिस बुला लेगी भाई। चलो ये समझ में आया ये एंटी एरोमेटिक क्यों हुआ, क्योंकि दो है, यस सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, यहाँ पे निगेटिव सर, एरोमेटिक, एरोमेटिक है सर, संजना क्या है ये, संजना क्या हुआ, एरोमेटिक, एरोमेटिक कैसे पता चला, कैसे पता चला भाई,
अरे देखो ऐसे पता चला कि देखिए भैया ये निगेटिव चार्ज क्या है, कंजुगेटेड नहीं है, निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड है ना, हाँ है, तो निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड है तो उसको काउंट कर लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो एक निगेटिव चार्ज हो गया और दो तो डबल बॉन्ड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, वन प्लस टू इज इक्वल टू ऑड नंबर, वन प्लस टू ऑड नहीं हो गया, यस क्या हो गया, ऑड हो गया ना, ऑड नंबर हो गया, ठीक है, तो वन प्लस टू ऑड हो गया और ऑड रहेगा तो क्या हो गया, एरोमेटिक, ऑड का नाम क्या रहेगा, एरोमेटिक। सबसे मस्त नाम तो गुंजन तुम्हारा है, मैं लगभग इलेवेंथ में जब तुम थे, मैं एक महीने तक, एक से डेढ़ महीने तक मुझे लगता था गुंजन कोई फीमेल है, सही बोल रहा हूँ भाई, सबसे मस्त नाम तुम्हारा है और तुम दूसरे को बोल रहे हो, नाम सही है कि डेढ़ महीने, क्योंकि देखो ग्रुप में तुम ऐसे बोलते थे, ग्रुप में तो सारे बच्चे बोलते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है, तो मुझे लगता था कि गुंजन कोई क्या है, सबसे मस्त किसका नाम है, चलो इधर देखो इसका बताओ ये क्या है क्वेश्चन, एरोमेटिक, क्यों, एक दो तीन, तीन मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एंटी एरोमेटिक, सर नॉन एरोमेटिक, क्या है नजर, क्या है निकमज, ये तुमको एसपी थ्री नहीं दिख रहा, सर नॉन एरोमेटिक, एसपी थ्री नहीं दिख रहा भाई, अरे देखो ना यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन होगा ना, दो हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आया ना, देखो यहाँ पे कंजुगेटेड थोड़ी है, क्या ये कार्बन कंजुगेटेड है, क्या यह कार्बन कंजुगेटेड है, नहीं ये दोनों कार्बन कंजुगेटेड नहीं है, तो कंजुगेटेड नहीं है तो क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया भाई, नॉन एरोमेटिक होगा ना, यस सर, अरे आ रहा समझ में, विशाल आ रहा है भाई समझ में, जी सर, सर सर मेरे स्कूल टीचर को ना 2 साल बाद पता चला है कि मेरी क्लास में एक लड़का भी है गुंजन नाम का, 2 साल बाद, क्यों भाई क्लास में क्या पहन के जाते हो, नहीं सर वो ध्यान ही नहीं देते कि नाम पे, अच्छा मुझे लगा लड़की वाले ड्रेस पहन के चले जाते होगे, बाल वाल एक लगा के, सर बॉयज स्कूल है क्या बात करते रहते हैं, बॉयज स्कूल है मतलब जिंदगी बहुत ये अच्छी नहीं चल रही है, वो भी सर बचपन से बॉयज स्कूल में रहूंगा, अभी 12th तक आ चुका हूँ, अरे 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 कितना कष्ट है भाई, 12th उसके बाद में भी तुम क्या पता फिर से आगे भी तुम्हारा ऐसे ही हो जाए, इसलिए मतलब इसलिए मोटिवेशन लेके मतलब पूरे क्लास की गुंजन तुम ही बन गए, हाँ इसलिए मतलब यही मतलब गुंजन नाम के पीछे यही है क्या मोटिवेशन का, क्लास में चलो कोई है ही नहीं गुंजन तो चलो मैं ही बन जाती हूँ, क्या गुंजन उसको दादा ने नाम रख दिया ना, दादा ने, मुझे लगा सारे बच्चे ने कहा कि चल तुम मेरी गुंजन, क्वेश्चन नंबर 7 बताया, एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना, कैसे सर ऑड हो गए ना सर, वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ना, देखो सारे के सारे क्या है कंजुगेटेड, और सर उस पे sp2 है पॉजिटिव वाले पे, हां देखो 1 2 3 3 है भैया, 3 देखो 3 जैसे ही होगा ना तो 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, तो कितना आसान है ना भाई, हां क्रिस बोलो क्या डाउट है, रुको तुम्हारा मैसेज पढ़ते हैं, तो जिन्होंने ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन टेस्ट देने वाले को, अरे तुम जाओगे तब तो तुम मिले, कौन मिलेगा ना भाई, तुम तो गए ही नहीं एग्जाम देने, तुमको मॉड्यूल तभी मिलेगा ना जब तुम सेंटर पहुंचे, घर जा घर बैठे बैठे तुम कहोगे कि सर वैसे भी इसका नाम क्रिस है, ये उड़ता हुआ पहुंच जाएगा वन जंप में, हाँ क्रिस है और इसका नाम एक उजू मंकी भी है, मतलब मंकी भी है, मंकी भी कूदता हुआ चला जाएगा, कूदता हुआ चले जाओ या उड़ता हुआ चले जाओ, देखो ये अब ये तुमको समझ में आएगा, देखना इधर ध्यान देना सर, ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कैसे हो गया, देखो ये तुम्हारा लोन पेयर क्या हो गया, ये कंजुगेटेड है, याद रखना अगर एक कोई एटम पे, एक एटम पे अगर एक लोन पेयर रहे या दो रहे या तीन रहे या कितना भी रहे, मैक्सिमम वो कितना कंजुगेशन में भाग लेगा, एक ही उसका लोन पेयर हमेशा कंजुगेटेड होगा, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे,
मैक्सिमम कितना कंजुगेटेड होगा? एक। हाँ निगम सही बोल रहा है, 25 अगस्त को मिल जाएगा तुम लोग को मॉडल। अरे अगर मान लो किसी भी एटम के ऊपर कितना भी लोन पेयर हो जाए, कंजुगेशन में हमेशा एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। अरे ध्यान रहेगा yes. एक तो देखो, एक तो तुम्हारा कंजुगेशन ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो एक कंजुगेशन ने पार्टिसिपेट किया तो टोटल कितने हो गए? कितने? एक, दो और तीन, टोटल तीन हुआ ना। और टोटल कितने हो गए कंजुगेटेड सिस्टम में? तीन ही हो गए। यस सर। तीन मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ऑड मतलब एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक के लिए तो एक और कंडीशन था कि सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। क्या ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? बताओ। यस सर sp2 है। कैसे sp2 हो गया सर? एक लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है। हां सही बोल रहा है यार, एक लोन पेयर हो गया। देखो ये लोन पेयर, अब चूंकि ये इस लोन पेयर का तुम क्या किया, तो देखो यहाँ पे पांच पांच, दो पांच के सिक्के थे, एक का पांच का सिक्का का इस बच्चे ने क्या किया, क्या खरीद लिया? बिस्किट। और एक के पांच के सिक्का का ये हाइब्रिडाइजेशन कर देगा, मतलब चॉकलेट कर देगा। तो ये दोनों खरीद रहा है ना, ये बच्चा के पास दो लोन पेयर, मतलब दो पांच के सिक्के है, तो एक बिस्किट भी ले लेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन भी ले लेगा। मतलब एक कंजुगेशन में चला जाएगा, एक हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। तो कंजुगेशन में ऊपर वाला चला गया, नीचे वाला हाइब्रिडाइजेशन में गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में गया तो एक दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, तो टोटल तीन हुए ना। yes, दो सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल तीन। तीन के लिए क्या होगा? तीन के लिए sp2 नहीं हो जाएगा? yes, sir. तो ये कंजुगेटेड, ये तुम्हारा एरोमेटिक हो गया ना, देखो कंजुगेटेड भी हो गया, सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अरे यार समझ में? यस सर। तो इसी में बच्चों को सबसे ज्यादा ये समस्या इसी में रहती है, ये लोन पेयर समझ में नहीं आता कि एक लोन पेयर को हम ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एक को ले रहे हैं कंजुगेशन में, क्या ये चल रहा है? अब दिक्कत नहीं ना होगा? नो सर नहीं होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। देखो यहाँ पे भी दो लोन पेयर आ गया सर, एरोमेटिक। एरोमेटिक अब तो तुमको याद ही हो गया होगा, ठीक है? yes, देखो sir. किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा, देखो पहला लोन पेयर का तो ये खरीदेगा बच्चा बिस्किट, तो बिस्किट खरीदा यानी कि कंजुगेशन में गया, इसका मतलब क्या होगा? दो डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल तीन हो गया ना। डबल बॉन्ड की संख्या तुम क्या बोलोगे? तीन। तीन हो गया ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। क्या ऑड से भी काम चल जाएगा? क्या साइक्लिक होना चाहिए, वो तो दिख रहा है साइक्लिक है, कंजुगेटेड। हाँ भाई सारे आइटम कंजुगेटेड दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें हाइब्रिडाइजर की, तो ये तो इस पांच के सिक्का का तो तुमने बिस्किट नहीं खरीदा, ये तो ऐसा ही बचा हुआ है, तो इसका तुम चॉकलेट कर दोगे। हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, एक दो और एक तीन, तीन के लिए sp2। बोलो भाई। yes. किसी को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा, यहाँ पे ये लोन पेयर है, बताओ ये लोन पेयर का क्या कर दोगे, चॉकलेट या बिस्किट? बिस्किट। पहला हमेशा कोशिश करना है बिस्किट खरीदने का, इसका मतलब पहला हमेशा कोशिश करना है क्या, कंजुगेशन करा दो। क्या? अरे कंजुगेशन, देखो ये कंजुगेशन कंजुगेटेड नहीं हो यार, हो रहा है, होगा ना, कंजुगेटेड होगा। अब चूंकि ये कंजुगेटेड हो गया तो बताओ डबल बॉन्ड की संख्या कितनी? तीन। तीन एरोमेटिक मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। तो केवल ऑड देख के एरोमेटिक पर नहीं चलेंगे, एक बार हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेंगे। sp2 है, sp2 ही होगा ना, तीन तीन सिंगल बॉन्ड है, तीन सिंगल बॉन्ड है तो sp2। लोन पेयर तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट थोड़ी किया, वो तो कंजुगेशन में चला गया ना, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है भाई? सर अगर पार्टिसिपेट करता तो sp3 हो जाती। हाँ sp3 हो जाती, लेकिन पार्टिसिपेट करता तो sp3 हो जाती, अगर मान लो ये डबल बॉन्ड गैप हो जाता तब। ओके सर। चलो इधर देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर बताओ पार्टिसिपेट कर रहा है? नो सर, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक है सर। अच्छा ना सेम क्या क्या बोल दिए, क्या बोल दिए? एरोमेटिक। अरे देखो इधर देखो, डबल बॉन्ड की संख्या एक दो तीन, तीन होगा ना डबल बॉन्ड? यस सर एरोमेटिक है, तो तीन के लिए तो एरोमेटिक होना चाहिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम काउंट करोगे तो एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर। ये क्योंकि ये लोन पेयर देखो, अभी जस्ट एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लिए थे ना, रिंग टूट जा रहा था, यही एग्जाम्पल तो लिए थे स्टार्टिंग में। यस सर। तो
ये तो तुम्हारे रेजोनेशन पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो क्या हो गया, रेजोनेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन एसपीटी नहीं हो जाएगा, एसपीटी हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ क्वेश्चन नंबर 12, 12 पर जल्दी बताओ। एरोमेटिक है सर। सर एरोमेटिक। अरे कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? गुंजन, कुसाम्बी, कुशाम्बी, विशाल, स्नेहा, आयुष, तो ये क्वेश्चन भी तुमको नहीं आ रहा है क्या? क्या विशाल ये भी नहीं आ रहा क्या? तो बोल ही नहीं रहा। अरे तुम माइक ऑन करके बोलो ना, चैट बॉक्स में लिखे हो। ये एरोमेटिक है, कैसे पता चला? अरे डबल बॉन्ड, एक दो तीन, पांच डबल बॉन्ड, अरे पांच डबल ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब एरोमेटिक। और सर सबकी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp2 है। ठीक है, अरे देखो सारे एटम अगर कंजुगेटेड है ना तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने जाना ही मत। देखो ये एटम कंजुगेटेड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सबके सब कंजुगेटेड है, देख रहे हो? सारे कंजुगेटेड नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड दिख रहा है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने जाना ही मत, ऐसे इग्नोर करके छोड़ दो। यहाँ पे देखो क्या ये क्या है, ये सर एरोमेटिक। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब एरोमेटिक, आसान है ना? यस। मेन वो पाई बॉन्ड काउंट करने में बच्चों को दिक्कत होता है। चलो इसको बताओ क्या है ये? सर एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नो सर। क्या ये करेगा? नो सर। नो सर नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा ना, दोनों नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो ना ये दोनों तुम्हारे पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे कितने डबल बॉन्ड हुए, एक दो तीन, तो तीन के लिए ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गया, इसका मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक। और ये तुम्हारे लोन पेयर इस पे है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसे काउंट करोगे तो नाइट्रोजन क्या, एक दो और एक लोन पेयर sp2। यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक दो और एक लोन पेयर sp2, तो एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो गया? एरोमेटिक। यस सर। अगला क्वेश्चन, क्या ये एरोमेटिक है? सर नॉन एरोमेटिक। ये तो नॉन एरोमेटिक है, सीधा दिख रहा है, ये कंजुगेटेड है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन किया। ये बताओ, यस सर एरोमेटिक। एरोमेटिक है ना, देखो ये रिंग एरोमेटिक और ये रिंग अपने में एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक, तो क्या हो गया एरोमेटिक। देखो ना यहाँ पे क्या होगा, वैसे भी तुम काउंट करो यहाँ पे कितने, तीन और इधर तीन, तीन, तो ये तीन के लिए क्या हो गया, तीन एक ऑड नंबर होता है ना? यस सर। और ये क्या है, यहाँ भी तीन है, तीन एक ऑड नंबर होता है, तो दोनों तीन और तीन, दोनों रिंग अलग अलग एरोमेटिक। ऐसा नहीं मत कर देना कि ये तीन और तीन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि सब छह आ गए, छह इवन नंबर हो गया, इवन नंबर मतलब एंटी एरोमेटिक। नहीं नहीं, इसको ये रिंग अलग है ना, पूरा अलग है, नहीं दिख रहे हो? यस सर। ये रिंग पूरा अलग है, तो दोनों अलग अलग रिंग है। ठीक है भाई, दो अलग अलग घर है मतलब। अरे ठीक है भाई। यस यस सर। ओके, तो ये रहा आपका एरोमेटिक। क्वेश्चन भगवान जल्दी बताओ, इस सारे क्वेश्चन आंसर बताओ। सर फर्स्ट का फोर्थ है। सर फोर्थ है, फर्स्ट का नॉन एरोमेटिक पूछ रहा है, फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ। फोर्थ होगा ना? यस सर। यस सर। दूसरा क्या होगा? अ नॉन एरोमेटिक, देखो ना ये sp3 हो गया ना, कंजुगेटेड ही नहीं है, ये भी sp3 हो गया, कंजुगेटेड ही नहीं, बात करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, सर सारे एरोमेटिक, सारे एरोमेटिक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस सर, डी। सभी एरोमेटिक नहीं है, देखो ये देखो एरोमेटिक, ये देखो, ये तो अभी वाला यही एग्जांपल तो हमने लिया था अभी जस्ट, और ये तो एरोमेटिक है अभी, उसी से देख ही रहे हैं, तो सब एरोमेटिक, ये इसका भी एग्जांपल हमने देखा था, तो सबके सब एरोमेटिक नहीं होगा? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड? सर थ्री।
ये कंजुगेटेड ही नहीं है, देखो sp3 sp3 कंजुगेटेड कहाँ है, थ्री हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है ना ये, तो एरोमेटिक है उसी से देखते हैं, ये भी एरोमेटिक है। अरे आ गया, यस सर, किसी को नहीं समझ में आया हो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक तो बोले, आ गया। देखो एक पॉइंट होता है कि रिंग, अगर रिंग की संख्या छह मेंबर से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल उधर देखिए, आपसे पूछेगा कि ये बताओ, इसका इसको बोलते हैं एट एनुलिन, इसका नाम क्या है, एट एनुलिन, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई एट एनुलिन क्या है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, क्या एंटी एंटी, सबका यही बोलना है क्या एंटी एरोमेटिक, निगम तुम बताओ भाई, निगम क्या होगा ये वाला सर, नॉन एरोमेटिक होगा, क्यों नॉन एरोमेटिक होगा भाई सर, मुझे याद है ना इसका, अच्छा इसका याद है, याद कर लिया, कुछ कारण भी बता, कारण भी बता दो रासन टाइप, रासन टाइप सर, ये पहले एंटी होगा ना उसके बाद ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, सिक्स नंबर से ज्यादा रिंग है और उसके बाद वो नॉन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल के लिए, एंटी होगा तो सर ये पहले तो ये चार गुना चार है तो चार गुना आठ हुआ ना इसका इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन तो वहां से ये तो पहले एंटी को फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक को, ठीक है और उसके बाद ये आइए मिसाल के छोर मेंबर से ज्यादा रिंग है, ठीक है सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो, ठीक है देखो तुम ऑन कर रहे हो ना तो वॉइस म्यूट, ये इको कर रही है, डबल आ रही है, मे बी आप फिर से एक बार लीव करके ज्वाइन करो सही हो जाएगा। देखो ये क्या है, अगर एक पॉइंट होता है कि रिंग रिंग का संख्या छह से ज्यादा हो, मतलब रिंग में जो एटम की संख्या है वो क्या हो, सिक्स मेंबर से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा, सिक्स मेंबर से ज्यादा हो, और उसमें अगर आपको एंटी एरोमेटिक दिख रहा होगा तो वो एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर, मतलब वो जो जो स्ट्रक्चर है ना वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। देखो एंटी एरोमेटिक के लिए भी क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो प्लेनर ही होना चाहिए था ना, यस सर, प्लेनर, देखो ये देखो एंटी एरोमेटिक, ये सर पॉइंट पढ़ो सर, पढ़ना एंटी एरोमेटिक कब होगा, जब आपका साइक्लिक हो, प्लेनर हो, सभी कंजुगेटेड हो, एसपी टू हाइब्रिडाइज हो और हक्के रूल को फॉलो करो, और इसमें से अगर एक भी रूल फेल कर जाएगा, एक भी रूल फेल कर जाएगा तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो अब बताओ फेल करने का मतलब क्या हो गया, अब ऐसा नहीं करना कि सर इसमें से फेल करके और पाई इलेक्ट्रॉन हक्के रूल को फॉलो कर दिया तो वो तो एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वैसा कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक, मतलब जो दोनों में से कुछ भी ना हो तो उसे बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, जो दोनों में से कुछ भी ना हो उसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और यहाँ पे आपका एक पॉइंट लिखा हुआ था, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, और सबसे लेस स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक, लास्ट क्लास में ही बताया था कि एंटी लोग बहुत बहुत लेस स्टेबल होती है ना, ठीक है, एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल है, सबसे लेस स्टेबल कौन है, एंटी एरोमेटिक। तो जब भी बोल एक पॉइंट बोल रहा है कि देखिए भाई क्या होगा ना कि अगर सिक्स मेंबर से बड़ा, मतलब कोई रिंग है जिसमें कार्बन की संख्या छह से ज्यादा है, कार्बन की संख्या छह से ज्यादा है और वो एंटी एरोमेटिक आ रहा होगा, एंटी एरोमेटिक हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक बहुत लेस स्टेबल है ना, एंटी एरोमेटिक, तो वो रिंग जो होगा ना वो क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा और वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, मतलब देखो एंटी में क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए था ना,
अगर मान लो वो प्लेनर के जगह पे नॉन प्लेनर हो जाए तब तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि भैया अगर 6 मेंबर से ज्यादा रिंग में कार्बन की संख्या 6 से ज्यादा होगा तो वो जो है अपना शेप चेंज कर लेगा, क्या करेगा, शेप चेंज कर लेगा, जिसके वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। और नॉन प्लेनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब ये जो आपने फिगर बनाया था, कौन सा फिगर, 10 एनुलिन बनाया था, 8 एनुलिन बनाया था, क्या बनाया था, 8 बनाया था। देखो ये जो 8 एनुलिन बना ना, एक्चुअली में रियल में इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे 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 और टब शेप। हाँ टब शेप, ये टब नहीं लग रहा है, यस टब लग, टब शेप हुआ ना, यस सर टब शेप। अरे टब पानी वाला टब नहीं होता है, ये आपका टब शेप हो गया। और पानी का टब बताओ एक ही प्लेन में रहेगा कि वो आउट ऑफ प्लेन रहेगा, एक ही प्लेन, दो एक्सिस में थोड़े सकता ना, दो एक्सिस एक्स और एक वाई, मतलब वो तो 3D फिगर होता है ना टब, 3D फिगर। yes, तो क्या हो गया, ये अब प्लेनर नहीं रहा ना, ये टब शेप हो गया, इसका मतलब ये प्लेनर नहीं है, क्या है, प्लेनर नहीं है, इसलिए ये किया, ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं हो जाएगा, टब शेप क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इट मीन्स 8 एनुलिन अगर मान लो आपको फिगर दे दिया जाए और पूछेगा बताओ भाई ये इसका मतलब एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो ध्यान रखना ये तुमको काउंट करने से भले तुमको एंटी दिख रहा है लेकिन रियल में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। और ये कैसे ध्यान रखोगे, जब भी 6 मेंबर से ज्यादा रिंग में कार्बन की संख्या 6 से ज्यादा है और एंटी एरोमेटिक आ रहा है, एंटी एरोमेटिक आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या हो जाएगा, उसको तुम नॉन एरोमेटिक टिक करना, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। चलो अब एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखो सारे के सारे कंजुगेटेड है कि नहीं बताओ भाई, यस सर, सारे के सारे कंजुगेटेड, बताओ ये इसका क्या हुआ, कौन सा एरोमेटिक हुआ, ये नॉन एंटी एरोमेटिक क्या हुआ सर, एरोमेटिक हुआ वैसे तो, एरोमेटिक हुआ। निगम तुम बताओ, निगम संजना कोई बताओ, एरोमेटिक, एरोमेटिक सही बच्चा का यही बोलना है क्या, बोलना है क्या, एरोमेटिक नो सर, नहीं क्या होगा तो बताओ भाई सर, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। निगम तुम्हारा क्या करना है, अरे यार विशाल तुम ऑन कर रहे हो तो इनको कर रहा है, लीव करके ज्वाइन करो, फिर से लीव करके ज्वाइन करो। निगम बताओ क्या होगा, एरोमेटिक है सर, एरोमेटिक है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, अरे तुम लोग तो आइसोमेरिज्म पढ़े थे ना, ये अरे हम ऐसे सेव करके कुछ पढ़े थे, ऐसे मरीज याद है, और हम बोलते थे कॉर्नर आइसिस के ऊपर हाइड्रोजन रहता है, ये कॉर्नर आइसिस के ऊपर ऐसे हाइड्रोजन रहेगा, याद आ रहा है, एक्सियल बॉन्ड, हाँ तो देखो, हाँ सही बोल रहा है, एक्सियल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए कि नहीं, यस दो होंगे ना हाइड्रोजन। अब ये देखो ये दोनों हाइड्रोजन पास पास आ गए तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा कि नहीं, यस सर, अब ये रिपल्शन फोर्स लगेगा ना, जिससे क्या होगा ये प्लेन के बाहर आ जाएगी, एंटी एरोमेटिक, यस सर, प्लेन के बाहर, मान लो ना दो दो इंसान है अगर, या फिर एक मान लो एक इधर से बाइक जा रहा है, बाइक नहीं चलो कुछ बड़ा लेते हैं, कार, इधर से एक कार गया और एक इधर से जा रहा है, दोनों अभी तो फिलहाल एक ही प्लेन में जा रहा है ना, लेकिन अगर दोनों में अगर मान लो कोलिजन हो जाए, टक्कर हो जाए, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा कि नहीं, कार क्या स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा क्या, प्लेन मतलब कोलिजन में स्ट्रेट लाइन में रहेगा, दोनों कार स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, अरे वो तो लाइन से बाहर निकल जाएगा ना, तो वही यहाँ पे हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन एरोमेटिक,
आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। हाँ वो आउट ऑफ प्लेन होगा, जैसे ही आउट ऑफ प्लेन होगा तो वो नॉन एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक नहीं रहा निगम भाई, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। रिजल्ट का आंसर सही था नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई। अरे बोलो। यस सर। अच्छा अगर ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाए और इस बार क्या कर दिया जाए, यहाँ पे एक एमी डाल दे रहा है, एमी मतलब समझे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ एमी, सारे के सारे कंजुगेटेड, बताओ क्या होगा ये सर? नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक हो गया सर? क्योंकि मिथाइल और मिथाइल में रिपल्शन है, इसमें तो और ज्यादा रिपल्शन लगेगा ना, वहां पे तो हाइड्रोजन छोटा होता है, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप है ना, दो एमी है, मिथाइल ग्रुप तो और बड़ा होता है, CH3 में तो और ज्यादा टक्कर होगा, और ज्यादा टक्कर होगा और ज्यादा प्लेन के बाद, यानी कि ये और ज्यादा नॉन एरोमेटिक होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, बहुत बार आपको एरोमेटिक दिखेगा लेकिन वो एरोमेटिक होगा नहीं, ये देखो दिखने से लग नहीं रहा कि पांच है, तो पांच तो ऑड होता है, ऑड होता है तो हम बोल देंगे एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं ना हुआ। अरे बोलो भाई। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आप, समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन अगर दे दीजिए 14 एनुलिन और पूछे बता भाई 14 एनुलिन क्या है तुम्हारा, 2000 कौन सा 2000 अभी 23 चल रहा है ना, 21 में पूछा हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन, यही था भाई, ये क्वेश्चन पूछ गया था कि एरोमेटिक है कि मतलब ऐसे कुछ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर था, ऐसे ऐसे कुछ था, प्लस था शायद, पूछा था ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। चौदह कार्बन है, ठीक है, इसका मतलब 14 कार्बन, डबल बॉन्ड कितना होगा? 7 डबल बॉन्ड 14 कार्बन और 7 डबल बॉन्ड, 14 एनुलिन का मतलब हो गया आपका ये, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, देखो 14 कार्बन हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड, एक-एक छोड़ के डबल बॉन्ड देखो, एक छोड़ के डबल बॉन्ड दे दिए, सारे के सारे कंजुगेटेड है कि नहीं? यस यस। अब ये 14 एनुलिन है, बताओ क्या इसमें तुमको कहीं रिपल्शन लगता हुआ दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है। और 14 एनुलिन है, इसका मतलब 7 डबल बॉन्ड है, 7 एक ऑड नंबर हुआ। यस सर, ये एरोमेटिक है। 7 ऑड नंबर हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक हुआ कि नहीं, बोलो? यस सर। हाँ तो ये हो जाएगा 14 एनुलिन, निगम सही बोला था, एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट क्या रहा आपका, पॉइंट ये रहा कि अगर रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 से ज्यादा हो, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 से ज्यादा हो एक रिंग में, ठीक है, और वो एंटी एरोमेटिक अगर बन रहा होगा तो उसका आंसर एंटी मत टिक करना, नॉन एरोमेटिक। क्या दोगे? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो रिंग क्या होगा, घूम जाएगा, थोड़ा घूम जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है भाई? यस यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे क्या? यस सर। यस सर दीजिए। ये देखो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है ना अभी जो अब जितने भी हम कर रहे हैं ना एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना और आंसर देना, ये अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देगा, कोई चेंजिंग नहीं। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का आया समझो तुम्हारे लिए बोनस मार्क्स होते। देखो ये सारे हो गए रिंग, अरे देखो ये चार बेंजीन रिंग मतलब चार साइक्लोहेक्सेन है ना, अब देखो ये सब बेंजीन बना रहे हैं, देखो ये डबल फिर डबल फिर एक एक छोड़ के, देखो कंजुगेटेड कर रहे हैं ना, एक एक छोड़ के करते जा रहे हैं,
एक एक छोड़ के किए कहीं एडजेसेंट नहीं ना होंगे। चलो बताओ क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, बताओ बताओ। कहीं छूट नहीं ना रहा है, अरे गड़बड़ हो गया ना। यस सर गड़बड़ हो गया, ऐसे करना चाहिए था। यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक गैप करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक गैप करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक गैप करके यहाँ डबल बॉन्ड, एक एक छोड़ के फिर यहाँ पे यही वाला छोड़ गया, फिर तुम्हारा ऐसे जाएगा तो एक छोड़ के यहाँ, फिर एक गैप करके यहाँ, फिर एक गैप। अब सही है, देखो सारे एक एक गैप पे है ना। अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, जल्दी बताओ। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है क्यों, नॉन एरोमेटिक क्यों हो गया, काउंट करो पहले। डबल बॉन्ड कितने काउंट हुए, 8 है सर इसमें, एंटी 8 है, तो 8 के लिए तो क्या होना चाहिए, एंटी एंटी। तुम यादान तुम नॉन बोल रहे हो, नॉन क्यों बोले सर, आपने बताया था एंटी में, मैंने बताया था अनस्टेबल होता है वो, मैंने क्या बोला था एक रिंग में एरोमेटिक, सुनो एक रिंग के अंदर 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके सर, एक रिंग थोड़ी 4 रिंग है ना, तो नॉन पे तो मत जाओ। मैंने क्या बोला था देखो, वो देख रहे हो कैसा फिगर था, ये देख रहे हो इधर गया, कहां गया फिगर, 8 एक ही रिंग है ना। यस यस सर, अगर दो रिंग रहेगा, अगर मान लो ऐसा रहता है, ऐसा रिंग रहता है और फिर ऐसा रहता है, तो वो कंसेप्ट मत लगाने लगना। अरे समझ आ रहा है, हाँ वो कंसेप्ट जो मैंने बोला ना वो एक रिंग की बात हो रही है, यहाँ पे एक रिंग नहीं है बहुत सारे रिंग है, तो उसको भूल जाओ ठीक है। अब बताओ yes, क्या sir. है एंटी एरोमेटिक, सबका एंटी एरोमेटिक है, सबका एंटी एरोमेटिक है, बोलो ये आपका एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक, ये भी आपका हो जाएगा एक्सेप्शन। और ये अगर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस तरह क्वेश्चन आया ना तो वो तुम्हारे लिए समझो बोनस मार्क्स में, मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे। देखो ये एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक है तो समझते हैं। देखो एरोमेटिक मतलब समझे, भले ही एरोमेटिक का पहला एक कंडीशन क्या था, कंजुगेटेड, सिस्टम क्या होना चाहिए कंजुगेटेड होने चाहिए ना, अरे बोलो ये था ना। तो चलो देखो ये कंजुगेटेड हो रहा है, ये कंजुगेटेड होगा तो बताओ ये ऐसे होगा कि नहीं ओपन, तो सारे के सारे ऐसे ओपन होंगे ना, अरे बोलो क्या एरो सही चल रहा है, बोलो भाई। यस सर एरो सही चल रहा है ना, तुम देख रहे होगे कि ये एरो साइड साइड से घूम के फिर से यहाँ पे आ गया, ये बीच वाला जो है ये मतलब रेजोनेंस कर ही नहीं रहा, नहीं देख रहे हो। यस सर ये बीच वाला वैसा ही मतलब एक दर्शक की तरह दिख रहा है, तो ये एक्चुअली इसको अब ये देखो ये पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो जो पार्टिसिपेट करता था उसी को हक के रूल में हम काउंट करते थे, इसको थोड़ी काउंट करेंगे। यस सर काउंट नहीं करेगा, तो जो तुमको 8 दिख रहा है ना ये एक्चुअली में 7 है, और 7 मतलब एरोमेटिक, मतलब मैं समझे क्या हुआ, ये तुम्हारा एक बार फिर से मैं बताता हूँ, एरो जब देखो रेजोनेंस का मतलब होता है तीर चलाना, तो तीर कैसे चलेगा, सबसे पहले ऐसे जैसे ये गया तो बगल वाला खुल के ऐसे चला जाएगा, बोलो चला जाएगा ना। यस सर, और फिर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा तो अगला वाला ये ओपन हो जाएगा, ये गया तो अगला वाला ओपन होगा, ये गया तो अगला वाला ओपन करेगा, ये गया तो ऐसा ओपन, और ये इसको सारे सारे साइड में घूम रहे हैं ना, बीच वाला तो ऐसे ही क्या वैसे ही लगे कि नहीं, बताओ भाई। Yes, sir. तो yes, sir. इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा तो इसको 8 नहीं इसको 7 लिखेंगे, और 7 लिखेंगे तो क्या हो गया ये आपका एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक आ रहा है समझ में। यस सर ठीक है, अगर सेम एग्जांपल रहे सेम एग्जांपल फिर से बनाते हैं, अब बताना इस केस में क्या होगा,
देखो एक एक करके डबल वन देते जा रहे हैं, डबल वन एक छोड़ के डबल वन, फिर एक छोड़ के डबल वन, एक छोड़ के डबल वन, एक छोड़ के डबल वन, ठीक है, फिर यहाँ पे एक गैप डबल वन, एक गैप डबल वन, लेकिन इस बार यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ पे बताओ क्या है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, बताओ क्या है, क्या है जल्दी बताओ, अरे बोलो, एंटी एरोमेटिक क्या होगा विशाल, क्या होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा पक्का, यस सर, देखो सेम वही वही लॉजिक, अरे देखो इस बार कितना हुआ, इस बार भी तो सात ही डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक होगी सर, सात डबल बॉन्ड का, और ये बीच वाले को देखो यहाँ पे इग्नोर कर दिए थे, ये क्या था दर्शक की तरह था, सेम वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी इसको बीच वाले को इग्नोर करो, इसको यहाँ पे भी इग्नोर करो, ठीक है, अरे इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको इग्नोर करो, ये भी एक्सेप्शन में जाएगा आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये देखो क्या हो गया, ये रिंग जो है ना ये साइड साइड से घूमते हुए चला जा रहा है, एरोमेटिक के देखो सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, सभी रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये बीच वाले को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है भाई, यस यस सर, ओके चलो ये हो गया, और क्वेश्चन करना या रहने दिया जाए, टाइम हो गया ना, एक दो छोटे छोटे टॉपिक है उसको जल्दी से देख लो, छोटे क्या अच्छे वाले टॉपिक है, ये तो आपको देखो पता है ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, तब नॉन एरोमेटिक, सबसे ज्यादा सबसे बेकार कंपाउंड, सबसे लेस स्टेबल कौन, एंटी एरोमेटिक, एक होता है बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड विद टू और मोर फ्यूज्ड रिंग हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन, मतलब वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, एक बेंजीन रिंग हो, जैसे कि ये तुम्हारा क्या होगा बेंजीनोइड, मतलब बेंजीनोइड है कि नहीं, दोनों देखो ये बेंजीन है ना, दोनों बेंजीन ही है, तो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा रिंग हो, देख रहे हो कंपाउंड विथ टू और मोर रिंग, मतलब एक से ज्यादा रिंग हो, लेकिन एक रिंग क्या हो, एक बेंजीन का रिंग हो, एक बेंजीन का रिंग दिख जाए तो उसे क्या बोलोगे, बेंजीनोइड, क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल क्या इसको बेंजीनोइड बोल दिया जाए, या फिर था ही नीचे एग्जाम्पल बहुत सारे थे, तुम बता दे जाओ क्या ये बेंजीनोइड है, कहां गया बताओ, क्या ये बेंजीनोइड है, यस सर, क्या ये बेंजीनोइड है, यस सर, यस सर, दोनों बेंजीनोइड है ना, बेंजीनोइड मतलब कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, और रिंग की संख्या अगर दो होंगे तब भी होगी ना सर, क्या ये अगर दो होंगे, अगर दो बेंजीन होंगे तब भी बेंजीनोइड, हां दो होगा तब भी बेंजीनोइड, क्या ये बेंजीनोइड है, नो सर, यस सर, नहीं ये नहीं, ये तो बेंजीन है, बेंजीनोइड थोड़ी हुआ सर, ये बेंजीन, ये तो बेंजीन है, बेंजीनोइड में कम से कम दो रिंग होनी चाहिए, यहाँ पे एक रिंग है ना, रिंग की संख्या कितनी है, एक है, रिंग की संख्या एक रहेगी तो उसको बेंजीनोइड नहीं बोलेंगे, रिंग की बेंजीनोइड होने के लिए कम से कम दो रिंग होना चाहिए, समझ में आया सर ना, यस सर, और दो रिंग कम से कम होने चाहिए, ठीक है, तो और दो रिंग में एक रिंग क्या होना चाहिए, बेंजीन को होनी चाहिए, दो रिंग में कम से कम एक रिंग बेंजीन को होनी चाहिए, तो यही लिखा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड विथ टू और मोर फ्यूज्ड रिंग हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, वन बेंजीन रिंग, फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या ये बेंजीनोइड है, क्या ये बेंजीनोइड है, यस सर, हाँ हो नहीं जाएगा, देखो एक बेंजीन हो गया और एक तुम्हारा अलग रिंग है, एक बेंजीन हो गया ना तो बेंजीनोइड, ठीक है, और नॉन बेंजीनोइड क्या कहता है, जिसमें एक भी बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक कंपाउंड विद टू और मोर फ्यूजिंग विदाउट एनी बेंजीन रिंग, क्या ये बेंजीनोइड है बताओ, नो सर, नो सर, ये बेंजीनोइड नहीं है ना, ये बेंजीनोइड नहीं है, ठीक है, अच्छा ये बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये बताओ, चल
इधर देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कंपाउंड होगा? एरोमेटिक, बैकबॉन्डिंग, एरोमेटिक। हाँ मतलब एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर तुम्हारा होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाए वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद तुम लोगे रेजोनेंस इफेक्ट को, तब लोगे हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में ले लोगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसको ट्रिक होता है, ट्रिक होता है ए ई आर एच आई। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है और कोई रेजोनेंस शो कर रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड था, याद है, ये प्लस बैक बॉन्डिंग भी तो आ जाती है। बताओ अगर कोई तुमसे पूछे कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? सर एरोमेटिक, यानी कि पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पहला वाला ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक कंपाउंड फर्स्ट। फिर तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ये इक्विवेलेंट, ई फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, आर फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एच फॉर हाइपर कंजुगेशन, और आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो आई इफेक्ट ही होगा। कल हम आई इफेक्ट पढ़ेंगे, दो क्लास लगेगा आई इफेक्ट पे, एक क्लास में तो इसे आई इफेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, दो क्लास आई इफेक्ट पे लगेगा। अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बारे में आपको बताए हुए हैं, बीच बीच में इक्विवेलेंट रेजोनेंस बहुत बार आएगा, जहां जहां आएगा आपको बताते चलेंगे। वैसे डिस्कशन हुआ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, याद है ना, डिस्कशन हुआ था जो रेजोनेंस करने के बाद बिल्कुल सेम ही दिखे। फॉर एग्जांपल ये देखो, यस सर, एच सी माइनस, अगर इसको तुम रेजोनेंस कराओगे तो क्या होगा, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ऐसे दिखेगा ना, ये सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेम ही स्ट्रक्चर दिखता है ना। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम पढ़े भी हुए हैं पहले, बीच बीच में आएगा, वहां पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास मिस मत करना, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोले, किसी को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो जल्दी बताओ भाई। एरोमेटिक निकालने के लिए क्या करोगे देख लेना, क्या कि डबल बॉन्ड और, अरे डबल बॉन्ड की संख्या क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर, ऑड नंबर, डबल बॉन्ड की संख्या ऑड नंबर होगा ना, तो एक ऑड, भूल ही गया, क्वासी एरोमेटिक। अच्छा नेक्स्ट क्लास में क्वासी एरोमेटिक एक बार देख लेंगे, इसको निपटा दिया जाए। यस सर, निपटा दिया जाए। अच्छा ये दो, मतलब दो मिनट का टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। देखो क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड विच ऑन पोलराइजेशन और आयनाइजेशन बिकम एरोमेटिक, मतलब जो तुमको दिखने से एरोमेटिक ना लगे, जो आपको दिखने में एरोमेटिक ना लगे लेकिन उसको तुम पोलराइजेशन कर लोगे, आयनाइजेशन कर दोगे, तो क्या हो जाए, एरोमेटिक वो बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझना, ये तुमको एरोमेटिक अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसको मान लो, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि नहीं? यस सर, ब्रेक करोगे तो देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा। तुम चाहो तो ओ पे माइनस लिख दो और यहाँ पे प्लस लिख दो, बताओ, लिख सकते हो ना? यस सर, यस सर। पहले देखो ये तुम्हारा एरोमेटिक नहीं था, लेकिन ये देखो ये एरोमेटिक है कि नहीं? यस सर। प्लस क्या किए तुमने, आयोनाइजेशन कर दिया, इस डबल बॉन्ड को तुमने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। देखो जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस ले लेगा, माइनस ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 3.5 होता है, और यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.5 होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन माइनस ले लेगा और नीचे ले लेगा, रह जाएगा प्लस। तो इस तरह कंपाउंड को कहोगे क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, जो आपको पहले से एरोमेटिक ना दिखे लेकिन उसको जब तुम आयनाइजेशन कर दोगे या पोलराइजेशन कर दोगे तो एरोमेटिक दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, क्या ये एरोमेटिक है, तुम बताना, बहुत आसान एग्जांपल है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ माइनस है, क्या ये एरोमेटिक है, बताओ भाई, जल्दी बताओ।
नो सर नहीं है क्यों क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना यस और यहां पे हाइड्रोजन भी तो होगा यस तो ये एरोमेटिक अभी नहीं है अभी नहीं है लेकिन अगर इस क्लोरीन को बाहर निकाल दिया जाए बाहर निकाल दोगे sp2 हो जाएगा अरे क्लोरीन क्या होगा cl- लेके भागेगा ना माइनस लेके भागेगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा sp2 हो जाएगी तो ये sp2 हो गया और तुम डबल बॉन्ड की संख्या को काउंट करोगे तो दो डबल बॉन्ड है एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है तो दो डबल बॉन्ड एक नेगेटिव टोटल तीन हो गया कि नहीं यस सर टोटल तीन हो गया और तीन एक ऑड नंबर है ऑड नंबर यानी कि एरोमेटिक हुआ कि नहीं बोलो भाई यस यस सर एरोमेटिक है ना हां तो ये एरोमेटिक कब हो रहा है जब तुम आयनाइजेशन किए आयनाइजेशन करने के बाद जो एरोमेटिक हुआ उस कंपाउंड क्या बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक क्या बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं ठीक है भाई यस 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 सर ये देखना ये अच्छा ये बताओ डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कि सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है ना सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है अब तुमसे अगर कोई पूछ देगा एक सर इक्वल होता तो होगा इक्वल होता है क्या नहीं सर वैसे सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है ज्यादा होता है डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है तो ये एरोमेटिक का क्वेश्चन है इसको तुम बताना तुम क्वेश्चन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है अब इस डबल बॉन्ड को तुम चाहो तो तुम तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ सकते हो कि नहीं yes, yes, sir. तो तोड़ोगे तो क्या होगा अब ये तोड़ने के समय थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कोशिश करना है ना कि एरोमेटिक बन जाए कंपाउंड इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना तो हमको कोशिश क्या करना है एरोमेटिक बन जाए अब तुम बताओ एरोमेटिक बनने के लिए ऊपर क्या मतलब या तो ऑड नंबर ही रहना चाहिए ना और नंबर आना चाहिए तो किसको प्लस दोगे किसको माइनस दोगे बताओ नीचे वाले को प्लस ऊपर वाले को माइनस हां नीचे वाले को प्लस दे देंगे ऊपर वाले को माइनस दे देंगे क्यों नीचे वाले को प्लस देंगे क्योंकि नीचे वाले को प्लस देंगे तो देखो सर नीचे वाला एरोमेटिक हो जाएगा एक हो गया नीचे वाले में कितने हो गए डबल बॉन्ड एक और ऊपर वाले में माइनस चला गया तो क्या हो गया दो डबल बॉन्ड और एक माइनस था तीन हो गया तो दोनों ऑड हो गए ना यस दोनों ऑड हो गए तो ये आसानी से ब्रेक हो गया ठीक है इस तरह से ब्रेक हो गया लेकिन अगर ऐसा फिगर रहता आपको अब तुम बताना किसको प्लस दोगे किसको माइनस दोगे अब तुम अगर देखो ऊपर वाले को एरोमेटिक बनाना है तो ऑब्वियस बात है माइनस देना होगा yes. दोनों में से कोई एक ही एरोमेटिक बनेगा हाँ तो देखो ऊपर वाले को अगर तुम माइनस दोगे तो नीचे वाला को प्लस देना होगा क्योंकि दोनों को तो माइनस नहीं दे सकते ना ऊपर वाले को माइनस देगा तो नीचे वाले को प्लस देना होगा और नीचे वाले को माइनस देगा तो ऊपर वाले को प्लस लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से किसी को दोनों को तुम एरोमेटिक बना ही नहीं पाओगे कभी नहीं बना पाओगे नहीं बना पाओगे ना नो सर इस केस में देखो अगर कोई बच्चा चाहे ऊपर वाले को एरोमेटिक बनाना तो ऊपर वाले को माइनस दे देगा चूंकि ऊपर वाले को माइनस देगा तो नीचे वाले को प्लस देना पड़ेगा नीचे वाले को प्लस दिए तो देखो नीचे वाला क्या बन गया एंटी एरोमेटिक नहीं हो गया एंटी तो इस केस में तुम दोनों को एरोमेटिक नहीं बना सकते नहीं बना पाओगे ना नो सर नो सर लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हो गया दोनों को तुम एरोमेटिक बना लिए तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे L1 दिया हुआ था और यहाँ पे L2 दिया हुआ और पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ L1 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि L2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है L1 या L2 जल्दी बताओ अरे बोलो भाई L1 का सर L1 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्यों क्यों सर वो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ टूटेगा नहीं तो क्या हाँ ये देखो ये टूट गया ना देखो ऊपर वाला आसानी से टूट गया ना ऊपर वाला आसानी से टूट गया तो क्या हो गया सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया yes, लेकिन yes, नीचे वाला तो देखो टूटेगा नहीं ना टूटेगा तो देखो एक एंटी एरोमेटिक एंटी क्यों बनना चाहेगा कोई भी एंटी नहीं ना बनना चाहेगा यस सर तो ये नीचे वाला टूटेगा नहीं तो बताओ ये L2 तो तुम्हारा L2 पे क्या है डबल बॉन्ड है अरे L2 पे डबल बॉन्ड है ना और आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड लेंथ जो होता है डबल बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा ट्रिपल बॉन्ड का ऐसे ऑर्डर होते हैं सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है ना यस सिंगल बॉन्ड
फिर डबल बॉन्ड और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो बॉन्ड अगर बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है। अरे अगर मान लो तुम ए है, ए और बी दो इंसान है, ए बी ए और बी एक दूसरे को जानता नहीं है तो दूर दूर बैठेगा। मान लो तुम नए स्कूल में गए तो अलग अलग बैठे, कुछ दिनों में तुम्हारी जान पहचान हो गई तो तुम पास पास बैठे, एक बॉन्ड आ गया तुमको पास ले आया, फिर बाद में पता चला रही है तो मेरे मतलब अपना मतलब चचेरा ममेरा कोई भाई है, और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो बॉन्ड पास आएगा कि नहीं? यस सर। बॉन्ड पास आएगा तो क्या होगा? यस सर। बॉन्ड लेंथ घटेगा कि नहीं बोलो? यस सर। घटेगा ना? हाँ तो यही होता है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है भाई? यस सर। तो चलो यही था बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट। क्या कह रहा था कि देखिए L1 जो होगा बॉन्ड लेंथ, L1 बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूट जा रहा है, पूरी तरह से टूट जा रहा है ना। L2 बॉन्ड लेंथ छोटा होगा क्योंकि ये बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसको टूटने के बाद इसको एंटी एरोमेटिक का सामना करना पड़ता है। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। क्लास ओवर किया जाए? यस सर। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, एक सेकंड देख लेते हैं, जो रिकॉर्डिंग ऑफ कर तुम्हारा तो क्वेश्चन जो चार क्लास बाद पढ़ना रहता है वही रहता है। नहीं सर ये पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन है।